हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस एपिसोड में एलिमेंट्री ड्राइंग एग्जाम का प्लेन ज्योमेट्री का क्वेश्चन नंबर 15 उसमें का सब क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने वाले हैं। आज का यह क्वेश्चन इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में एक्सप्लेन होगा। आपको ड्राइंग एग्जाम गाइड इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, पास वाले बेल आइकन को ऑल क्लिक करना है। वीडियो समझ में आया और अच्छा लगे तो लाइक करना है और शेयर भी करना है। प्लेन ज्योमेट्री का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपके पास राउंडर, इसे कंपास भी बोलते हैं, स्केल और पेंसिल, इन ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता है। आज हम इंग्लिश, हिंदी और मराठी लैंग्वेज में क्वेश्चन पढ़ेंगे। आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, उसका अच्छी तरह से ऑब्जर्वेशन करना है और उसे समझ लेना है। इंग्लिश क्वेश्चन सेक्शन 4, सर्कल्स एंड पॉलीगॉन्स, एग्जाम्पल नंबर 15 उसमें का सब एग्जाम्पल नंबर 3। टू डिवाइड अ गिवन सर्कल इन टू 8 इक्वल पार्ट्स, क्वेश्चन डिवाइड अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर इन टू 8 इक्वल पार्ट्स। हिंदी प्रश्न विभाग से होता, वृत्त और बहुभुज। उदाहरण, दिए गए वृत्त सर्कल वर्तुल को 8 बराबर भागों में विभाजित करना। प्रश्न, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त सर्कल वर्तुल को 8 बराबर भागों में विभाजित करें। मराठी प्रश्न, 3 सेंटीमीटर त्रिज्येच्या वर्तुळाचे 8 समान भाग करा, किस प्रकार से, क्वेश्चन नंबर 15 उसमें का सब क्वेश्चन नंबर 3 उसे हमने इंग्लिश, हिंदी और मराठी लैंग्वेज में देखा है, अब इसे हम सॉल्व करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले हमें एक सर्कल निकालना है जिसका रेडियस हमें लेना है 3 सेंटीमीटर लॉन्ग। यहाँ पर हमें एक सेंटर पॉइंट सर्कल का निकालना है और उसे नाम देना है ओ। अब हमें राउंडर में कंपास में 3 सेंटीमीटर रेडियस लेना है और यहाँ पर ओ पॉइंट पर एक सर्कल बनाना है। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 15 उसमें का सब क्वेश्चन नंबर 1, उस क्वेश्चन में हमने सर्कल के 4 इक्वल पार्ट बनाए थे। वो क्वेश्चन आप देखकर इस प्रकार से 4 इक्वल पार्ट आप बना सकते हो। अब हमें क्या करना है, ओ से जाने वाला, ओ पॉइंट में से जाने वाला एक डॉटेड लाइन यहाँ पर खींचना है इस प्रकार से। इस डॉटेड लाइन ने इस सर्कल के सरफरेंस को यहाँ पर क्रॉस किया है और यहाँ पर क्रॉस किया है। यहाँ पर नाम देना है ए और यहाँ पर नाम देना है बी। अब ए बी लाइन पर हमें एक परपेंडिकुलर निकालना है, उसके लिए कंपास का स्टील वाला पॉइंट, राउंडर का स्टील वाला पॉइंट ए पॉइंट पर रखकर ओ से थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस कंपास में लेना है और इस सर्कल के ऊपर वाले हिस्से पर एक आर्क बनाना है। उसी रेडियस से, उसी डिस्टेंस से उस आर्क पर दूसरा आर्क बनाना है। दोनों आर्क एक दूसरे को यहाँ पर क्रॉस हुए हैं, वहाँ पॉइंट मिला है, उस पॉइंट को और ओ पॉइंट को हमें डॉट लाइन से जोड़ना है इस प्रकार से। इस लाइन ने इस सर्कल के सरफरेंस को यहाँ पर क्रॉस किया है और यहाँ पर क्रॉस किया है। इस पॉइंट को नाम देना है सी, इस पॉइंट को नाम देना है डी। इस प्रकार से हमने इस सर्कल के 4 इक्वल पार्ट बनाए। यह हमारा क्वेश्चन नंबर 15 उसमें का सब क्वेश्चन नंबर 1 उसमें मैंने इस प्रकार से 4 पार्ट बनाना सिखाया है, वो क्वेश्चन इस प्रकार का है। तो हमें आगे का कृति क्या करना है, तो इसके और 4 इक्वल पार्ट बनाने, 4 और 4 हमें 8 इक्वल पार्ट मिल जाएंगे। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर सी ओ बी और सी ओ ए इसे हमें दुभागना है, यानी इसके 2 इक्वल पार्ट बनाने हैं। तो उसके लिए कंपास का स्टील वाला पॉइंट हमें ओ पॉइंट पर रखकर यहाँ पर एक आर्क बनाना है, यहाँ पर एक आर्क बनाना है और यहाँ पर आर्क बनाना है। इस आर्क ने इस लाइन को यहाँ पर क्रॉस किया है, यहाँ पर क्रॉस किया है और यहाँ पर क्रॉस किया है। तो पहले हम सी ओ बी को क्या करेंगे, इसके 2 इक्वल पार्ट बनाएंगे। तो कंपास में डिस्टेंस लेना है अप्रोक्सीमेटली और यहाँ पर एक आर्क बनाना है, उसी रेडियस से दूसरा आर्क यहाँ पर बनाना है, वही कृति यहाँ पर भी करना है, यहाँ पर भी। दोनों आर्क एक दूसरे को क्रॉस हुए हैं, वहाँ पर पॉइंट क्लियर करना है और उस पॉइंट को और ओ पॉइंट को जोड़ना है इस प्रकार से। ये पॉइंट को और ओ पॉइंट जोड़ना है डॉटेड लाइन्स इस प्रकार से। यहाँ पर नाम देना है पी, यहाँ पर नाम देना है क्यू
यहाँ पर नाम देना है, आर यहाँ पर नाम देना है, यस। इस प्रकार से इस सर्कल के हमने 8 इक्वल पार्ट बनाए हैं। बच्चों आप जब प्रैक्टिस करोगे तो हमने 3 सेंटीमीटर रेडियस वाला सर्कल लिया था, तो आपको रेडियस चेंज करना है और सर्कल निकाल के उसके इक्वल 8 पार्ट बनाने का बार बार प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस ही आपको इसमें परफेक्ट बनाएगा। आज का ये क्वेश्चन आपको समझ में आया हो, आपका कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके मुझे वो प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं, मैं जरूर उस पर आंसर दूंगा। बच्चों आज का ये क्वेश्चन आपको समझ में आया हो, अच्छा लगा हो तो लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ। थैंक यू।